नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। चुनावी वर्चस्व को लेकर भिड़े दो पक्ष, हुआ पथराव, जमकर हुई मारपीट। पुलिस पीएसी मौके पर, 43 लोगों पर मुकदमा दर्ज, 16 लोग गिरफ्तार। प्रधानी की चुनावी रंजिश व वर्चस्व को लेकर एक मामूली मामले को लेकर वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया और जमकर मारपीट हुई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची केसरगंज पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 22 लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए 43 लोगों के खिलाफ लूटपाट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला जनपद बहराइच के केसरगंज के एनी गांव का है, जहां 26 नवंबर की रात में एक कब्बाली थी, जिसमें कब्बाल को पैसा देने को लेकर गाँव के वर्तमान प्रधान तवरेज और पूर्व प्रधान फिरोज सानू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और धीरे धीरे दोनों पक्षों के समर्थकों में पथराव शुरू हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर केसरगंज थाना प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर कुल 22 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस द्वारा कोतवाल की तहरीर पर 43 लोगों के खिलाफ लूटपाट कानून का उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 16 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। घटना के क्रम में पुलिस ने बताया है कि प्रधानी की रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस विवेचना कर रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। समाचार ए टू जेड के लिए बहराइच से संतोष मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। ये ग्राम ऐनी है, जो थाना कैसरगंज के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ एक पक्ष वर्तमान प्रधान पक्ष है और दूसरा पक्ष जो है वो पूर्व प्रधान से जुड़ा हुआ है, जो संज्ञानित हुआ है। जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, ये मूलतः प्रधानी के चुनाव की ही रंजिश बताई जा रही है। इस मामले में दोनों पक्षों में मारपीट होने की बात प्रकाश में आई है और जिसमें दोनों ही पक्षों के काफ़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। ऐसे में पथराव होने की भी सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे में थाना कैसरगंज पर दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभी वो पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा भी जो अनियमितता हुई है, उसके क्रम में भी एक अन्य अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में कैसरगंज पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। इस मामले में उपद्रव करने के जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार संगत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।